सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेमे फोन वर्सेस वीवो T3 5G डिवाइस के बीच में डिटेल में कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन बेस्ट बजट कैटेगरी में आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे में काफ़ी सारे लोग यार कन्फ्यूज कर दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे कि कैमरा टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, स्पीड टेस्ट एवं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है 2024 के सबसे बेस्ट प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन सेमे फोन वन एंड वीवो T3 5G। तो चलिए दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैमरा से। सो सेमे फोन वन में आपको 50 मेगापिक्सल का AI ड्यूअल कैमरा सेटअप आता है, वही वीवो T3 5G डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। वैसे सेमे के फोन में 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस आता है, बट वीवो के फोन में 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस एंड एक फ्लिकर लेंस भी आता है। सेंसर के बारे में बात करेंगे तो सेमे फोन वन में ओमनी विजन का सेंसर है एंड वीवो के फोन में सोनी MX882 का सेंसर आता है। वैसे सेल्फी कैमरा के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का ये सुपर सेल्फी कैमरा आता है। एंड इसके बाद दोस्तों कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन का जो कैमरा है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर कैमरा है। लिखना सेमे फोन वन में थोड़े से धुंधले डल टाइप के फोटोज देखने को मिलते हैं, बट हाँ वीवो T3 5G डिवाइस में थोड़े से बेटर कैमरा सैंपल्स निकल के आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों OS के वजह से वीवो T3 5G डिवाइस में जो भी शेडोज है एंड इसके अलावा जो भी हाइलाइट्स है काफ़ी बेटर निकल के आते हैं। इवन लोलाइट कंडीशन में वीवो T3 5G काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है। डायनेमिक रेंज के बारे में बात करेंगे तो वीवो T3 5G डिवाइस में काफ़ी बेटर डायनेमिक रेंज आती है। कलर एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो वीवो T3 5G डिवाइस में थोड़े से बेटर एक्यूरेट कलर आते हैं। पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो वीवो T3 5G डिवाइस में पिक्सल डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर आती है, क्योंकि इसमें आपको OIS का सपोर्ट आता है। पोर्ट्रेट सैंपल के बारे में बात करेंगे तो थोड़े से बेटर पोर्ट्रेट वीवो T3 5G डिवाइस में देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में 4K 30fps का सपोर्ट आता है, प्लस आपको स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट आता है, बट हाँ बेटर वीडियोग्राफी मुझे वीवो T3 5G डिवाइस में देखने को मिली है। वैसे दोनों सैंपल में से आपको कौन सा सैंपल सबसे बेटर लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोनों भी स्मार्टफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक का बैक आता है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम मुझे प्लास्टिक बैक मतलब कि जो बैक पैनल है वीवो T3 5G डिवाइस का लगा है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से क्रिस्टल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, प्लस आपको जो प्रीमियम मैट फिनिश का जो फील है वीवो T3 5G डिवाइस में लगेगा। वैसे सेमे फोन वन में आपको रिप्लेसेबल बैक पैनल मिलता है, थोड़ा सा रफ टाइप का यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल आता है। दोनों भी फोन के साइड की फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो फ्लैट एजेस मतलब कि बॉक्सी टाइप का डिजाइन है, लेकिन सेमे फोन वन का जो भी एजेस है बैक पैनल के एजेस काफी शार्प है। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन के राइट साइड में देखेंगे तो पावर बटन देखने को मिल जाता है। सेमे के फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाते हैं, प्लस दोनों भी स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर आता है। एंड बॉटम साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में प्राइमरी स्टेरियो स्पीकर, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड हाइब्रिड सिम का ट्रे मिलता है। टॉप साइड के बारे में बात करेंगे तो टॉप साइड में दोनों भी डिवाइसेस में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक आता है, प्लस वीवो T3 5G डिवाइस में सेकेंडरी स्टेरियो स्पीकर भी मिलता है, जो कि आपको इनबिल्ट एयरपीस के अंदर फिट किया है। चलिए दोस्तों, दोनों भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में सेम साइज के फ्लैट फुल HD+ डिस्प्ले आते हैं। वैसे रिफ्रेश रेट दोनों भी स्मार्टफोन में 120Hz का स्मूथ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी आता है। एंड इसके लिए दोस्तों वाइड वन 11 सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी डिवाइसेस में वाइड वन 11 का भी सपोर्ट मिलता है। सो Amazon प्राइम है, Netflix के जो कंटेंट है फुल HD+ में वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों YouTube HDR क्वालिटी सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो दोनों भी डिवाइसेस में 4K HDR वीडियो का सपोर्ट आता है, मतलब कि 2160 पिक्सल में दोनों भी फोन में YouTube के जो कंटेंट है उसको वॉच कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात की जाए, वैसे दोनों भी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर है, काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड का पैनल आता है, जिसके वजह से आपको जो कलर से काफ़ी वाइब्रेंट काफ़ी ब्राइटर कलर देखने को मिल जाते हैं, एकदम से नेचुरल टोन पंची टाइप के कलर देखने को मिलते हैं। वैसे ब्राइटनेस के बारे में बात की जाए तो दोनों भी स्मार्टफोन में काफ़ी बेटर ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। सो दोनों भी डिवाइसेस में आपको ब्राइटर डिस्प्ले आता है। सो इंडोर प्लस आउटडोर में जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है दोनों भी फोन में काफ़ी बढ़िया निकल के आती है।
सो अगर आप एक मल्टीमीडिया यूजर से तो आपके लिए दोनों भी फोन के जो डिस्प्ले है वो काफी बेटर एंड परफेक्ट डिस्प्ले रहने वाला है। चलिए दोस्तों इसके बाद दोनों भी स्मार्टफोन के पावर के बारे में बात करेंगे। तो सेम फोन वन में डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर आता है, वही वीवो T3 5G में डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर आता है एंड दोनों के दोनों प्रोसेसर 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। वैसे दोनों भी डिवाइसेस के एंड-टू-एंड बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो सेम फोन में 6 लाख से भी ज्यादा स्कोर निकल के आता है, वैसे वीवो T3 5G डिवाइस में 7 लाख से भी ज्यादा स्कोर निकल के आ जाता है। बेटर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वीवो T3 5G डिवाइस में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों BGMI गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में सेम टू सेम आपको यहाँ पे BGMI गेमिंग ग्राफिक्स आता है। स्मूथ में आपको एक्सट्रीम ग्राफिक्स एंड मैक्स टू मैक्स HDR अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट आता है। गेमिंग के बारे में बात करेंगे, वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग आपको दोनों भी फोन में काफी बेटर गेमिंग देखने को मिलेगी। ज्यादा बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको वीवो T3 5G डिवाइस में देखने को मिलेगा। वैसे सेम फोन वन में भी काफी बेटर आपको गेम प्ले मिलता है, लेकिन हाँ मैंने इसका डिटेल में गेमिंग का वीडियो बना के रखा है, थोड़े बहुत जिटर्स एंड लैग्स आपको सेम फोन में देखने को मिलते हैं। सो बेटर परफॉर्मेंस बेटर गेमिंग आपको वीवो T3 5G डिवाइस में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे दोनों भी फोन के बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम बैटरी कैपेसिटी है। सेम एफ के फोन में 33 वैट की फास्ट चार्जिंग आती है बट वीवो T3 5G डिवाइस में 44 वैट की सुपर फास्ट फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट आता है। तो चलिए दोस्तों बहुत हो गए फिजिकल कंपैरिजन, अब दोस्तों एक्चुअल में दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में फाइट लगाने वाले हैं, मतलब कि स्पीड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्पीड टेस्टिंग का सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है एंड स्पीड टेस्टिंग की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिबूट टेस्टिंग से। सो चलिए हम क्या करेंगे, दोनों भी स्मार्टफोन को सेम टाइमिंग पे रिबूट करेंगे, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले फास्ट ऐप पे रिबूट होता है। एंड वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि यार वैसे भी रिबूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोगो है सेम फोन का लोगो आ चुका है एंड इसके बाद वीवो का जो लोगो है यहाँ पे बूटअप लोगो आ चुका है। एनिमेशन के बारे में बात करेंगे तो सेम फोन का एनिमेशन सबसे पहले देखने को मिल चुका है एंड फाइनली यहाँ पे सेम फोन वन यहाँ पे सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है, काफी फास्टर यहाँ पे रिबूट हो चुका है। वीवो का फोन अभी भी यहाँ पे टाइम ले रहा है रिबूट होने में। वैसे दोस्तों रिबूट टेस्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो भी यार मैटर करता है। सो फाइनली काफी समय के बाद वीवो T3 5G डिवाइस भी यहाँ पे रिबूट हो चुका है। सो रिबूट के टेस्टिंग में सबसे पहले बाजी मार ली है सेम फोन वन ने। चलिए दोस्तों इसके बाद दोनों भी डिवाइस में एक वीडियो रेंडर करके देखते हैं, मतलब कि वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखते हैं। वैसे दोनों भी फोन में सेम टू सेम काइनमास्टर का वर्जन है एंड दोनों भी फोन में सेम लेंथ के यहाँ पे मैंने वीडियो सेट करके रखा है। वीडियो आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में आपको यहाँ पे 4K 8:6 का वीडियो आउटपुट का सपोर्ट आता है। तो चलिए सेम टू सेम यहाँ पे वीडियो का जो आउटपुट है उसको सेट करते हैं एंड दोनों भी फोन में सेम टाइमिंग पे वीडियो को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे जो स्पीड है, मतलब कि वीडियो एक्सपोर्ट का जो स्पीड है, मुझे सेम फोन वन में देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया है एंड वीवो T3 डिवाइस में थोड़ा सा लेट यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वीवो T3 5G डिवाइस परफॉर्मेंस के मामले में टॉप है। चलिए दोस्तों इसके बाद दोनों भी स्मार्टफोन में एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्पीड को टेस्ट आउट करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में यहाँ पे जो भी इंटरनेट है, मतलब जो वाईफाई है, दोनों भी फोन में सेम टू सेम मैंने वाईफाई का कनेक्शन सेट करके रखा है एंड साइड बाय साइड दोनों भी फोन में जो भी सिस्टम के एप्लीकेशन है, कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फोन में काफी फास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गैलरी एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे जो गैलरी ऐप है वीवो के फोन में थोड़ा सा क्विकली लॉन्च हो गया था। कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो सेम एप के फोन में सबसे पहले लॉन्च हो गया था। चलिए इसके बाद इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे सेम एप फोन में इंस्टाग्राम काफी क्विकली लॉन्च हो गया है। फेसबुक के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे जो फेसबुक है CMA फोन में क्विकली लॉन्च हो चुका है। इसके बाद ट्विटर के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे ट्विटर सेम एप के फोन में क्विकली लॉन्च हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार के बारे में बात करेंगे, वो भी अगेन सेम एप के फोन में क्विकली लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद फ्लिपकार्ट के बारे में बात की जाए तो फ्लिपकार्ट अगेन सेम एप के फोन में क्विकली लॉन्च हो चुका है। एंड इसके अलावा दोस्तों अमेजोन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो अमेजोन है वैसे वीवो T3 5G डिवाइस में काफ़ी क्विकली लॉन्च हो चुका था। चलिए इसके बाद एक ब्राउज़र को ट्राई करेंगे जो कि है क्रोम ब्राउज़र। सो क्रोम ब्राउज़र वैसे दोनों भी फ़ोन में काफ़ी क्विकली सेम टाइमिंग पर लॉन्च हो चुका है। यूट्यूब ऐप के बारे में बात की जाए तो यूट्यूब का जो ऐप है वो भी दोनों भी फ़ोन में सेम टाइमिंग पर यहाँ पे क्विकली लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर के बारे में बात करेंगे तो प्ले स्टोर दोनों भी फोन में काफ़ी क्विकली लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा गेम हम यहाँ पे लॉन्च करके देखने वाले हैं जो कि है हिल क्लाइम रेसिंग। तो देखते हैं कि कौन सा फ़ोन काफ़ी क्विकली गेम को लॉन्च करता है। सो अगेन यहाँ पे सेम फोन वन में काफ़ी क्विकली गेम लॉन्च हो गया था, वैसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद वीवो के फ़ोन में भी थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे गेम लॉन्च हो गया था। तो
तो दोस्तों स्पीड टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ फिर भी सेमी फोन वन में जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद दोनों भी फोन में हम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को टेस्ट आउट करेंगे। वैसे दोनों भी फोन में जो रैम एक्सपेंशन मतलब कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है दोनों भी फोन में मैंने इनेबल करके रखा है। वैसे दोनों भी फोन में LPDDR4X टाइप का रैम सपोर्ट आता है एंड दोनों भी फोन के बैकग्राउंड में मैंने सेम टू सेम यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करके रखे हैं। कुछ सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है जिसमें मैंने यहाँ पे जो पेजेस है मतलब कि प्रोफाइल पेजेस है वो मैंने ओपन करके रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइड बाय साइड एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड कौन सा फोन बार बार यहाँ पे रिफ्रेश या फिर प्रीलोड करता है, जल्दी से चेकआउट करेंगे। सो गैलरी ऐप को ओपन करेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद कैमरा ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वीवो T3DS में कैमरा थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है। इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो अगेन वीवो T3DS में इंस्टाग्राम यहाँ पे प्रीलोड हो चुका है। फेसबुक ओपन करेंगे तो फेसबुक में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ट्विटर के बारे में बात करेंगे तो वीवो T3DS में थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में बात करेंगे तो वीवो T3DS में पूरा का पूरा डिज्नी ऐप यहाँ पे प्रीलोड हो चुका है। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे तो अगेन वीवो T3DS में फ्लिपकार्ट का जो ऐप है पूरा का पूरा रीलोड हो चुका है। एंड इसके बाद अमेजोन के बारे में बात की जाए तो अमेजोन का जो ऐप है वो भी यार पूरा का पूरा वीवो के फ़ोन में प्रीलोड हो चुका है। ब्राउजर भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है, यूट्यूब भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है मतलब कि पूरा का पूरा प्रीलोड हो चुका है। इसके बाद जो प्ले स्टोर है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गेमिंग के बारे में बात करेंगे तो गेमिंग वीवो T3DS में पूरा का पूरा यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। सो बेटर रैम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि सेमी फोन वन में देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी यार सेमी फोन वन का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। सो 6GB का रैम है फिर भी बेटर रैम मैनेजमेंट आपको सेमी फोन वन में देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपका बजट कम है 15,000 रुपये के आसपास है तो आपके लिए सेमी फोन वन काफ़ी बेटर चॉइस है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बेटर फास्टर परफॉर्मेंस एंड बेटर कैमरा का फोन चाहिए तो वीवो T3 5G आपके लिए बेटर चॉइस है। वैसे दोस्तों दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन सबसे बढ़िया लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।